हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिलीवरी के बाद आपको अपने टांकों का दर्द कैसे ठीक करना है, देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी में हर फीमेल को नीचे से टांके आते हैं, जिसे हम एपिजियोटमी कट बोलते हैं। एपिजियोटमी कट दिया जाता है जिससे कि बच्चे की सिर की डिलीवरी अच्छे से हो सके, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो डिलीवरी के दौरान। तो इसमें जो है आपको टांके लगाए जाते हैं, जो कि आपको सही होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है, तो जिसमें काफी पेन होता है। तो इस पेन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यही जानेंगे। वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, पेन होना जाहिर सी बात है, आपके टांके लगे हैं तो आपको पेन होगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए आपको सबसे पहले तो आपको पालथी मार के कभी नहीं बैठना चाहिए। पालथी मार के बैठने से क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो आपके टांके खुलने के फटने का डर काफी ज्यादा रहेगा, दूसरा आपके टांके खींचने की वजह से आपकी स्किन भी फट सकती है। जी हाँ, तो कभी भी डॉक्टर आपसे बोलते हैं पैर आगे सीधे करके बैठने के लिए बोलते हैं, और या फिर आप चेयर पे बैठ जाइए, लेकिन आपको कभी भी पालथी मार के नहीं बैठनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 महीने तक तो इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, टांकों में पेन को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गुनगुना पानी ले लेना है। गुनगुना पानी एक टब में आपको ले लेना है, और उसमें आपको एक ढक्कन सेवलॉन का डालना है। सेवलॉन सभी के घर में होता है, तो और इतना पानी उसमें रखिए कि आपका जो नीचे का हिस्सा है, वो अच्छे से डीप हो जाए, जैसे कि आप इमेज पे देख रहे होंगे, डीप हो जाए। और उसको 10 से 15 मिनट इस तरीके से सेकिए, काफी ज्यादा आराम महसूस करेंगी। और इससे क्या होगा कि एक तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, दूसरा आपके टांकों में पेन भी कम होगा, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा इस चीज से। तो ये चीज आप दिन में एक बार कर सकती हैं, डेली इसको कर सकती हैं, जब तक कि आपके टांके सही नहीं हो जाते। और तीसरा, एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है। जूस हो सकता है या फिर हरी सब्जियां हो सकती हैं, पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि आप जब आप फाइबर ज्यादा लेती हैं, आप अपने खाने में लिक्विड वाली चीजें ज्यादा लेती हैं, जिससे कि आपके मोशन जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते। अगर आपके मोशन जो है हार्ड होगी, आपको टाइट पॉटी आएगी, तो क्या होगा कि आपके टांकों में भी प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है उसमें ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है। चौथा और लास्ट, एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 महीने तक, जब तक कि आपके टांके अच्छे से सही नहीं हो जाते, आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इससे आपको इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन भी और दूसरा आपके टांके फटने का या फिर ब्लीडिंग होने का भी रिस्क यहाँ पे रहता है, और पेन तो होगा ही होगा आपको। तो पेन से बचने के लिए या फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए ये चीजें मैंने बताई। और एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि कभी भी आप वॉश कर रहे हैं अपने नीचे की एरिया को, आपको गुनगुना पानी ही लेना है। गुनगुना पानी और डिटोल सोप हो गया, उससे आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं नीचे की एरिया को, ताकि आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपके टांकों में भी थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।